से आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज ये हमारा गणित का अगला सेशन है, ठीक है, सातवां भाग, भाग सात है। ऑलरेडी हमने 6 क्लास ले रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए, वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो को देखकर आप पीछे के जितने भी सवाल हैं उसे सॉल्व करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, हम उसे और भी सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जितने भी एग्जाम होते हैं आदमी 1-2 नंबर से फेल होता है, ठीक है। तो ये बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। पहला कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर है। तो इसमें आप जाइए, देखिए, उस सवाल को सॉल्व कीजिए, जहां भी ना समझ में आए आप उसे कमेंट करिए, कमेंट करके माध्यम से बताइए, जिससे हम आपको और ज्यादा ज्यादा माध्यम में, सरल माध्यम में बताने का प्रयास कर सके, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल क्या, पहला सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 3, 5 बचे, ठीक है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको, ठीक है। और जिसमें संख्या क्या दी गई है? 49 दी गई है, 1, 59 है और 1, 109 है, ठीक है। को भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचे? शेष शेष क्रमशः बचे, ठीक है, शेष क्रमशः कितना बचे? 1, 3 और 5 रहे, ठीक है। तो देखिए, जब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस चीज का, कि जब आपसे पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो संख्या दी गई 49, 59, 109, तो शेष क्रमशः 1, 3, 5 बज रहा है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जो संख्या दी गई है उस संख्या में से हम शेष को क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 49 दिया, 49 में से हम 1 को घटा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ 59 दिया है, तो 59 में से कितना घटाना है? यहाँ 3 दिया है तो 3 को घटा देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। फिर यहाँ पर दिया है 109, ठीक है, 109 में से हमको कितना घटाना है? 5, ठीक है। ऐसे हम घटाने के बाद फिर बताएंगे आगे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका आ जाएगा 48, इसमें से अगर घटाएंगे तो इसमें से आ जाएगा आपका 56, ठीक है, 56, और इसमें से घटाएंगे तो 104। अब इन सब का हमको क्या करना है? लासा लेना, ठीक है, लासा। अब कैसे, यहां पर देखिए ले सकते हैं 49 का अलग लीजिए, मासा आप ले सकते हैं, मासा, सॉरी। तो मासा लेने के बाद क्या करना है आपको? 48 का आप लीजिए, फिर यहाँ आप 48 का लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 2, 2 दूनी 4, 24 हो गया, यहाँ फिर देंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसका हमारे पास गुणनखंड कितना आ गया? इसका हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार? 1, 2, 3, 4 बार है, ठीक है, 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ऐसे हम 56 का भी लेंगे, 56 का देख सकते हैं, तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। अब 104 का हम लेंगे तो 104 का कितना होगा? देखिए, 2 पच्चे 10, 52 दूना 104 होता है, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर यहाँ हो जाएगा 13, ठीक है। तो इसका भी हमारा पास गुणनखंड आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखेंगे जो चीज मैच खा रही है, जी ठीक है, जो तीनों में मैच खा रहा है उसी अंक को हम क्या कर लेंगे? ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा मैच खा रहा है आपका। तो यहां देखिए मैच खाने का क्या है, ये देखिए, 2 इसमें 2 इसमें, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, अदरवाइज तीनों में नहीं मिल रहा है, तो इन तीनों को हम क्या कर लेंगे? बाहर ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा टोटल? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यही आपकी क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। ये क्या है आपकी? बड़ी से
बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक, 8 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे, जब आपको पूछ ले वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें कुछ संख्या दी गई होगी और उसका शेष भी दिया होगा, ठीक है, तो आप शेष को घटा लेंगे उस संख्या में से जिसमें जिसमें से दे दिया है, और उसके बाद उसका आप इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, तो उसका जितना मासा आ जाए आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाने वाला कहां रख दिए, ठीक है, ऐसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे। अगला सवाल दिया है आपका, अगला सवाल है दिया है, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। क्या दिया है, सलमा अपनी बहन, देखिए यहां पर सलमा को मान लेते हैं, ठीक है, सलमा हो गई, यहां हो गई रेशमा, ठीक है, रेशमा। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए जैसा प्रश्न कहे आपको वैसा ही करना। इसमें क्या दिया है, सलमा अपनी बहन रेशमा से, चलो पहले हम इन दोनों को यक्ष यक्ष मान लेते हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन कह गया रहा है कि सलमा जो है अपनी बहन मतलब इस रेशमा से कई वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बड़ी है, इसमें हम क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, देखिए अगर पहले आपको कहेगा तो आप माइनस करेंगे, ठीक है, अगर बाद कहेगा तो आप प्लस करेंगे, ठीक है, इस चीज को आप नोट रखेंगे। तो क्या करें, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, पहले मान लो एक्स एक्स था, 10 वर्ष बड़ी है, फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले तो मतलब यहां माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इसमें भी माइनस 4 हम ज्वाइनिंग करेंगे। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले आयु, सलमा की आयु रेशमा की आयु की दुगनी थी, मतलब यह रेशमा की आयु का दुगनी सलमा, यहां हम 2 से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां जैसे 1/2 करेंगे ऐसे, ठीक है, तो हम यहां क्या कर देंगे, अब इसको बराबर यहां कर लेते हैं, ये सवाल करने का तरीका है। तो अब देखिए यहां पर x हो जाएगा प्लस है, तो प्लस 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2x गुणा है यहां पर माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए एक x x को एक तरफ, अंक को एक तरफ, इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 8 है इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस है तो, ठीक है। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो माइनस एक्स होगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 14। तो इस प्रकार से रेशमा की आयु कितनी आ गई, 14, क्योंकि हमने एक्स माना था ना इसको, इस प्रकार रेशमा की आयु 14 आ गई। अब सलमा की आयु निकालना हमको, तो सलमा की आयु, अब एक्स का मान कितना, 14, तो जहां एक्स है हम वहां रख देंगे, ठीक है, x के दर पे हम क्या रख देंगे, यहाँ 14 रख देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस ऑलरेडी 10 है तो 10 रहेगा, तो कितना आ जाएगा, 24 वर्ष, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ए x प्लस 10 था, ठीक है, तो फिर हमने फिर जो जैसा सवाल किया उसके अकॉर्डिंग काम किया था ना, तो ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको एज की सवाल आए तो सवाल ऐसे आप लगाएंगे, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, तो पहले हमने दोनों को एक्स एक्स माना, फिर 10 वर्ष बड़ी थी कर दिया था, फिर बोला कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मतलब माइनस हो जाएगा, हमने घटा दिया, फिर बोला कि अपनी बहन क्या दिया है सवाल में, आयु की दुगनी थी, रेशमा की आयु की दुगनी थी, मतलब रेशमा की आयु के दुगनी ये थी, तो रेशमा की आयु दुगनी थी, तो फिर हमने इसमें रेशमा में 2 मल्टीपल किया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, बाकी आप सारे नियम जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को आप सॉल्व करेंगे, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जहां भी ना समझ में आप कमेंट करके बताइए, हम इसे बताने का भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल आपका दिया है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई ऐसे वर्ग है जिसका 6 सेंटीमीटर क्या दिया है, एक भुजा दिया है, तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग,
ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भुजा एक दी गई है तो छह का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर 6 × 6 = 36। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल आपको छोटे छोटे वर्ग सेंटीमीटर है ना, ऐसे आपको छोटे 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 सवाल देगा। अब देखिए बड़ा ही आसान सवाल दिया कि कोई भुजा है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। अगला सवाल दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, एक वर्ग है जिसकी जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, कोई वर्ग ऐसे है ठीक है, इसका इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है 225 सेंटीमीटर। ठीक है 225 सेंटीमीटर, तो कह रहा है वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए, मतलब कोई एक भुजा आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र हमारे पास क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 225 दिया है। ठीक है 225 भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है भुजा का वर्ग, अब देखिए भुजा का एक वर्ग है तो हमको हटाना है, तो इधर आएगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √225। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब ये वर्ग था इधर आया तो अंडर रूट हो गया। ठीक है अंडर रूट होने के बाद इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 15 × 15 आ जाएगा, आप इसे करके देख लीजिएगा। ठीक है तो जब दोनों में मैच कर रहा था, एक 15 को क्या कर लेंगे बाहर, तो एक भुजा इसका क्या आ गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है ऐसे आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत, सवाल जो कहा सवाल की रिकॉर्डिंग आप, चलिए सवाल ने कहा कि क्षेत्रफल उसका 225 सेंटीमीटर है तो उसकी एक 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 भुजा ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास सूत्र था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है, तो क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल के दर पे क्षेत्रफल का मान रख दिए, भुजा स्क्वायर होता ही है तो स्क्वायर को हम इधर ले गए तो अंडर रूट में बदल गया, हम भुजा इधर भी लिख सकते हैं रूट उधर भी, कोई दिक्कत नहीं, हमने बदल दिया थोड़ा सा तो रूट कर लिए। अब रूट करने के बाद हमने उसका गुणनखंड किया तो 15 × 15, तो जिसमें सेम मिला तो एक को हमने क्या कर लिया बाहर, तो ऐसे सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ठीक है, ऐसे आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया आपका चलिए दिया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है कोई वृत्त है जिसकी वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ऐसे कोई वृत्त है ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई। ठीक तो आपसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ये होता है उसका सूत्र, जहां आर क्या है वृत्त की त्रिज्या है, आर क्या है, आर बराबर क्या है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, और पाई का मान कितना होता है 22/7। तो हमारे पास दिया गया है सवाल में कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है तो उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए देखिए सूत्र हमारे पास तो है ही, ठीक है अब इसका 22/7 होता ही है, पाई का मान कितना होता है 22/7, अब त्रिज्या हमारे पास एक दिया है यानी कि 7 × 7 × 7, ठीक है इस तरह से आपके पास दिया, तो आप इसे क्या कर लीजिए, 1 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, अब जो आगे बच रहा है उसी को सॉल्व कर लीजिए, अब इसका क्या हो जाएगा 22 × 7, तो क्या हो गया 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है यही आपका
आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे दिया है कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल याद करना, क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसपे आपको सीधा सीधा मान रख देना और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर, ठीक है, एक आयताकार कोई मैदान है, ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई क्या दी है 15 मीटर है, चौड़ाई कितनी दी गई है 10 मीटर, तो मैदान का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात हमको क्या करना है, परिमाप इसका ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल ये दोनों चीजें हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दिया तो आयत का हमको क्या कहना, परिमाप और क्षेत्रफल, तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, ठीक है, चारों भुजाओं का योग, तो इसका सूत्र हम लिख लेंगे, सूत्र होगा परिमाप बराबर, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का, चारों भुजाओं का योग, ठीक है, चारों भुजाओं का योग, अगर ये 15 है तो ऊपर भी 15 होगा, ये 10 है तो इधर भी 10 ही होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 10 40 और 40 10 50, ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 50 मीटर, ठीक। अब दिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुड़े चौड़ाई, ये होता है इसका फार्मूला, तो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या, लंबाई कितना इसका दिया है 15, चौड़ाई कितना दिया है 10, तो हो जाएगा 150 वर्ग मीटर, ठीक है, 150 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिया गया था सवाल में, आपको दिया गया था कि कोई आयत है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो आपको परिमाप और क्षेत्रफल क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है, तो हमारे पास सूत्र था कि परिमाप को ज्ञात करने के लिए, तो परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, हमने चारों भुजाओं को लिखा और ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फिर अगला दिया था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता लंबाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 15 थी, चौड़ाई ये थी, तो हमने उससे भी निकाल दिया क्षेत्रफल, ठीक है, इस प्रकार से आप सवाल को क्या क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चलिए अगला सवाल दिया है आपका, अगला सवाल दिया है आपका, क्या दिया है, 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है, इसका होता है मूलधन गुणे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। तो हमारे पास उसमें क्या दिया था कि कोई क्या दिया था कि 500 रुपए का, ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना है 500 रुपए का, दर कितना दिया था 12%, ठीक है, समय कितना दिया था 3 वर्ष का, साधारण ब्याज कितना होगा, तो कुछ नहीं बस सूत्र पे आप रख दीजिए और सवाल को सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 12 25 60 हो गया, गुणे 3 हो गया, 6 3 18 हो गया, तो 180 रुपया होगा, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, तो इस प्रकार से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका दिया है कि एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, कोई साइकिल है, ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं, कोई साइकिल है
जो साइकिल को 1800 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 1800 रुपए में, 1800 रुपए में बेचने पर हानि कितनी हो रही है, बेचने पर, बेचने पर 10% की हानि हो रही है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार की सवाल को लगाने के लिए क्या करना है, तो बेचने की कीमत क्या थी, बेचने की कीमत हो जाएगी इसकी साइकिल की कीमत, साइकिल की कीमत क्या थी, साइकिल की प्रश्नानुसार, जैसा सवाल कह रहा है हम वैसा सवाल लगाएंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। कह रहा है साइकिल की कीमत, साइकिल की कीमत टोटल कितनी थी, 1800 रुपए थी, ठीक है। अब उसमें हान प्रतिशत कितनी हुई थी, हान कितनी हुई थी, हान कितने परसेंट की हुई थी, 10% की, ठीक है, 10% की। तो पूछ रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, तो माना साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपये, माना साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। साइकिल का जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो हमें करना क्या, हानि कितनी हुई थी, 10% की, तो कोई सामान 100 था तो उसमें से हम 10% घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, 90% ना, तो क्या हो जाएगा, यक्ष का 90 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, बराबर इधर इक्वल कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। अब देखिए बूढ़ा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है, तो यहां हम एक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम इसका इधर कर देते हैं, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90x हो जाएगा, ठीक है, 90x, ये इधर है तो इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1800 गुणे 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा x, अब ये हो जाएगा 1800 गुणे 100 बटे 90। इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। कैसे, इस जीरो से इस जीरो हम काट दिए, ठीक है। अब बचा 9, तो 9 × 9, 9 × 2 = 18, यहां बचा कितना, 20, ठीक है। तो x बराबर 20 × 100 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। यही आपका दाम है, साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपये। तो ऐसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा था कि कोई साइकिल थी जिसे बेचने 1800 रुपये, 1800 रुपये में बेच रहे थे तो 10% की हानि हो रही थी, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य माना हमने 100 रुपया था, ठीक है, तो यक्ष का 90% बटे 100 कर लिया, ठीक है, 10% घटा के, तो उसके बाद 1800 किया, फिर हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। पक्षांतर आपको करना आता होगा, इतना आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपका दिया है कि क्या दिया है, 3x - 5 = x + 3 को सरल कीजिए या हल कीजिए। तो देखिए पक्षांतर करेंगे, x को x तरफ, सजाती को सजाती, विजाती को विजाती, ठीक है। तो x को x तरफ ले जाएंगे, 3x इधर प्लस है तो आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, ये 3 है तो 3, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से घट जाएगा, 2x बचेगा, ये हो जाएगा 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8/2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। यही आपका क्या है, आंसर है। इस प्रकार से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपके जितने भी सीरीज में, आपके BTC एग्जाम में जितने भी सवाल आने वाले थे जिस प्रकार से, तो आपको बता दिया। अब कल से क्या होगा, प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाया जाएगा, तो ठीक है। तो इस बात पे आप आइएगा, ज्वाइन होइएगा, तो
तो अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।